हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर संविधान की शपथ के साथ हाजिर हूं, मैं रुमाना एसआर खान। लोकसभा चुनाव में बड़ी चर्चा हुई थी न्याय योजना की। मोदी को टक्कर देने के लिए, करोड़ों परिवारों को कैश देने के लिए राहुल न्याय योजना लेकर आए थे। न्याय योजना देश के लोगों को संतुष्ट नहीं कर पाई, राहुल हार गए। लेकिन अब लॉकडाउन में डूबी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए मोदी 20 लाख करोड़ का आत्मनिर्भर पैकेज लाए, तो छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने नए रंग रूप में न्याय योजना को लॉन्च कर दिया। राहुल वाली योजना में गरीब परिवार थे, अच्छा छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार वाली योजना में किसान है। मोदी सरकार ने आर्थिक पैकेज में किसानों के लिए झोली खोल देने का ऐलान किया है, तो अब सवाल यह है कि गरीब की मदद कैश से या पैकेज से। मतलब मोदी मॉडल बनाम छत्तीसगढ़ मॉडल, ये जो लड़ाई सी छिड़ गई है, क्या यह सिर्फ मोदी की घेराबंदी और मोदी को टक्कर देने के लिए, या इसी कैश में छिपा है गरीबों का भला? आत्मनिर्भर भारत 20 लाख करोड़ रुपए का है ये पैकेज। भारत की जीडीपी का करीब करीब 10% है। केंद्र के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज को नाकाफी बता रही कांग्रेस ने आज छत्तीसगढ़ में शुरू की न्याय योजना। उत्पादक किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ एवं गन्ना उत्पादक किसानों को 13,000 रुपया प्रति एकड़ आधार राशि दी जाएगी। 5,700 की राशि जो किसानों की हक की राशि मिलनी चाहिए था और मिल रहा है 1,500, यानी 1,500 का मतलब यह है कि 25% राशि ही किसानों के खाते में ट्रांसफर हुआ है। केंद्र का दावा, कोरोना काल में सबसे पहले गरीब किसान मजदूर को पहुंचाई राहत। कांग्रेस का पलटवार, मदद के नाम पर गरीब को कर्ज के जाल में उलझाया, सीधे हाथ में पैसा नहीं दिया। आज कर्ज की जरूरत नहीं है, भारत माता को अपने बेटे बेटियों को पैसा देना चाहिए, हमें इनके बैंक अकाउंट में पैसा डालना ही पड़ेगा। पहला प्रदेश है कोरोना के बाद ऐसा एक्शन, बोल्ड एक्शन, डिसाइसिव एक्शन ले रही। आखिर कोरोना काल में अर्थव्यवस्था को उबारने के लिए छत्तीसगढ़ मॉडल या मोदी मॉडल क्या बेहतर है? गरीब की मदद कैश से या पैकेज से? आपका परिचय कराती हूँ। खास मेहमान आज की इस चर्चा में बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता सैयद शाहनवाज हुसैन हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अभय दुबे जी हैं हमारे साथ, जेडीयू के नेता अजय आलोक जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, और साथ ही स्वराज इंडिया के राष्ट्रीय अध्यक्ष योगेंद्र यादव जी चर्चा में हमारे साथ शिरकत कर रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। मुझे लगता है सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से अभय दुबे जी को आना चाहिए और देश को बताना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में जो न्याय योजना आई है इसमें गरीबों का हित है या सिर्फ मोदी को टक्कर देने के लिए राहुल की योजना आपने अपने शासित राज्य में लागू कर दी है? देखिए रोमाना जी, अभी तो मोदी सरकार के पैकेज के लिए देश भर की जनता कह रही है कि सरकार झूठों की बड़ी सरताज निकली, मुझे छोड़ चली, दिल तोड़ चली, ये कैसी धोखेबाज निकली। आप अनुमान लगाइए 20 लाख करोड़ रुपए 10 सेकंड में मैं आपको समझा। पहले तो लॉन्ग टर्म रेपो ऑपरेशन और लिक्विडिटी इंजेक्शन से लगभग 9 लाख करोड़ रुपए की उन्होंने बात की है पैकेज में शामिल। वो क्या था, उन्होंने कहा बैंकों को लोन देने के लिए लिक्विडिटी प्रोवाइड कराते हैं। कोविड की महामारी के जस्ट पहले की रिपोर्ट देखिए, 58 साल बाद सबसे गरीब क्रेडिट ग्रोथ हिंदुस्तान में बताई कई एजेंसियों ने। उसके बाद इन्होंने कहा कि हम एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए का, 4 लाख करोड़ रुपए का लोन लेकिन फिलहाल अगर डिबेट हम पूरे 20 लाख करोड़ के पैकेज पर करने लगेंगे ना सर, तो इतना समय नहीं होगा। हम यहाँ पर जो छत्तीसगढ़ में सिर्फ किसानों के लिए जो न्याय योजना लागू हुई है ना, तो सिर्फ किसान की बात करें सर, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। अब मोदी सरकार को आपने बड़ी आसानी से झूठों का सरताज कह दिया सर,
झूठों का सरताज जो आप कह रहे हैं, मुझे लगता है इस पर शाहनवाज हुसैन को आना चाहिए। शाहनवाज हुसैन साहब, एक 10 सेकंड, मैं सिर्फ रोमाना जी, मैं 10 सेकंड में, ठीक है सर, जल्दी से 10 सेकंड में अपनी बात पूरी कीजिए। इस पैकेज में ही आ रही हूँ शाहनवाज हुसैन, आपके पास आऊंगी। इस पैकेज में ही हमने अपेक्षा की थी प्रधानमंत्री जी 14 करोड़ 64 लाख जो किसान देश में रजिस्टर्ड है उसमें से 10 करोड़ मार्जिनल फार्मर है, कम से कम आप उनके खाते में 7,500 रुपए महीना डालिए ताकि वो खरीफ की बोनी कर पाए। हमने प्रधानमंत्री जी से आग्रह किया था कि 10 करोड़ 70 लाख किसान वो मजदूर जो मनरेगा में रजिस्टर्ड हैं, उनको कम से कम सीधा बेनिफिट ट्रांसफर कीजिए इस बदहाली के समय में। आप पैकेज अनाउंस कीजिए मगर उसको इनकॉर्पोरेट कीजिए। और आज मैं प्रसन्नता व्यक्त करता हूं कि हमारे राज्य ने इसकी शुरुआत की, इसको प्रारंभ किया। अगली कड़ी में छत्तीसगढ़ में ही हम भूमिहीन मजदूरों के लिए इस स्कीम को एक्सटेंशन देने वाले हैं, ये मैं आपको बताता हूँ। और कांग्रेस इस दिशा में आगे हुसैन साहब, गरीबों को सीधे आर्थिक मदद देने के मामले में ये तो कांग्रेस कह रही है हम बाजी मार गए, झूठों की सरताज, मोदी सरकार झूठे वादे किए, दिया कुछ भी नहीं गरीब को किसान को। देखिए कांग्रेस पार्टी प्रमाणित तौर पे झूठ बोलती है, इसलिए जब इनके प्रवक्ता आते हैं तो झूठ से ही अपनी बात शुरू करते हैं। आपको याद होगा कि देश में इन्होंने जब 3 राज्यों में सरकार बनाई उससे पहले कहा था आते ही 1 हफ्ते के अंदर किसानों का कर्जा माफ करेंगे, कर्जा माफ तो नहीं हुआ। इसी मुद्दे को योगी आदित्य ने उठाया मध्य प्रदेश के अंदर, इनकी सरकार चली गई इसी मुद्दे पर। 21 लाख किसानों का मध्य प्रदेश सर, प्लीज आपसे गुजारिश है, अभय जी आपसे गुजारिश है अपनी बारी पर बोले, सब अपनी अपनी बारी पर बोले सर। अभी 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 बारी शाहनवाज हुसैन साहब की है, वो बोल लें, उसके बाद दोबारा आ जाऊंगी आपके पास। शाहनवाज साहब रखिए अपनी बात पूरी, फिर मुझे योगेंद्र जी का रुख करना। ये एक्सपोज हुए कांग्रेस के ही नेताओं ने, कांग्रेस के विधायक जो चुनकर आए थे इस वादे पे, उन्होंने बगावत की और इनकी सरकार चली गई। ठीक है सर, झूठ पर आपने जवाब दे दिया सर, झूठों का सरताज जो आरोप लगाया कांग्रेस ने, आपने हिसाब चुकता कर दिया उसका। अब मुद्दे पर आ जाइए ना सर, और मुद्दा मेरा किसान है। जी जी, किसानों के लिए हमारी सरकार ने जो काम किया है उसकी सराहना हो रही है। हम तो डायरेक्ट उनके खाते में पैसा डाल रहे हैं, हमने किसानों के खाते में पैसा डाला, उसमें अगर ये ऐड कर रहे हैं वो भी थोड़ी सी राशि, और इसको ये कह रहे हैं कि ये न्याय योजना है तो ये गलत है। ये इनकी न्याय योजना को तो जनता ने न्याय दे दिया, लोकसभा के चुनाव में ही इनकी न्याय योजना के साथ जो अन्याय जनता ने करना था वो कर दिया। ठीक है सर, मैं योगेंद्र जी का रुख कर रही हूँ, मैं योगेंद्र जी का रुख कर रही हूँ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, लेकिन सर जनता के मन में ये सवाल भी तो आता है ना कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना वो तो कोरोना काल से पहले ही आप लोग लागू कर चुके थे, उसकी राशि जो आप किसानों के खाते में पहुंचा रहे हैं, ये बात कोरोना काल में गिनाकर आप किसानों के साथ क्या न्याय कर रहे हो सर? ये सवाल तो अपनी जगह जायज है ना, मेरे ख्याल से आप मानोगे इस बात को। योगेंद्र यादव जी आएंगे तो बेहतर तरीके से बता पाएंगे। योगेंद्र यादव जी, जो हाल इस समय जमीन पर किसान का है, कैश या पैकेज बेहतर क्या? रोमाना जी, प्रश्न ना कैश वर्सेस पैकेज का है, ना प्रश्न कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का ना है, ना केंद्र वर्सेस छत्तीसगढ़ का। बड़ी साधारण सी बात है, और ये बात कोई राहुल गांधी या श्री भूपेश बघेल इन्होंने नहीं कही है, दुनिया के प्रत्येक प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री ने कहा है और दुनिया के तमाम देशों में लागू हुआ है। यानी कि इस संकट के वक्त आपको अंतिम व्यक्ति के हाथ में पैसा देना है ताकि डिमांड जनरेट हो सके, ताकि अर्थव्यवस्था उठ सके। और ये बात अब कोई सर्वविदित हो गई है कि सरकार का ये जो पैकेज था इसके 20 लाख 21 लाख करोड़ में वास्तविकता से ये बड़े लिफाफे के अंदर सच्चाई में सिर्फ 2 लाख करोड़ भी नहीं थे। तो सिंपल बात है, आप इसको कुछ भी नाम दे दी, गरीबों तक, किसान तक, मजदूर तक सीधे पैसे पहुंचाने होंगे। अब तक सरकार ने पहुंचाए नहीं है। सरकार ने किसानों के लिए जितनी भी घोषणाएं की उनमें से एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जिसका किसानों के वर्तमान संकट से कोई भी संबंध हो। एक भी घोषणा ऐसी नहीं है जिसकी किसानों ने मांग की हो, जिसकी किसानों को जरूरत हो। किसानों को चाहिए था अच्छा। उनके फसल के नुकसान पर मुआवजा, उनको चाहिए था उनको MSP दान नहीं दाम चाहिए था,
उनको चाहिए था केसीसी लोन के ऊपर इंटरेस्ट की माफी, इनमें से एक भी चीज की घोषणा नहीं की गई। ठीक है सर, अभी जो 20 लाख करोड़ का पैकेज जिसकी घोषणा की गई उसमें देखिए 1 लाख करोड़ का कृषि आधारभूत ढांचा के लिए आवंटन किया गया, फूड एंटरप्राइजेस के लिए 10,000 करोड़ की योजना इसका आवंटन किया गया, पीएम मत्स्य संपदा योजना उसके लिए 20,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया गया, 53 करोड़ पशुओं के टीकाकरण की योजना के लिए, सर मैं बता रही हूँ 15,000 करोड़ जो है वो डेयरी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, 4,000 प्रमोशन फॉर हर्बल प्लांटेशन और इस तरीके के कई सारे ऐलान जो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को हमने करते हुए सुना। लेकिन मेरा सवाल डॉक्टर अजय आलोक आपसे ये है कि जो बात सर आप ही की बात आगे लेकर जा रही हूँ, डॉक्टर अजय आलोक जो बात यहाँ पर योगेंद्र जी कह रहे थे, सरकार ने अपने पैरों पर भारत को खड़ा करने की जो कवायद है उसमें जल्दबाजी कर दी, फिलहाल जरूरत सीधे हाथ में पैसा पहुंचाकर पहले उस आदमी को आईसीयू से बाहर लाने की थी, उसके बाद पैरों पर खड़ा करने की कोशिश कर लेते। सर रोमाना जी, योगेंद्र जी बहुत सुलझे हुए बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, बहुत सम्मान करता हूं, लेकिन लगता है इनसे थोड़ी थोड़ी मिस्टेक हो गई है। 4 अप्रैल टाइम्स ऑफ इंडिया निकाल के पढ़िए आप लोग सबको, भारत का रोल मॉडल पूरे विश्व ने फॉलो किया और प्रधानमंत्री जी की तारीफ इससे हुई क्योंकि कैश ट्रांसफर जो उन्होंने शुरू किया था जनधन योजना के मामले से हर महिलाओं के अकाउंट में 500 रुपये, पीएमकेवाई योजना जो आप बोल रही हैं उसका अग्रिम भुगतान 3 महीने का 2,000 रुपये, 32,000 करोड़ कुल मिला के भारत सरकार कर चुकी थी और हम बिहार जैसे गरीब राज्य हमने अपने प्रवासियों के अकाउंट में 6,000 करोड़ रुपए का कैश ट्रांसफर 28 लाख व्यक्तियों के अकाउंट में जो बिहार में नहीं रह रहे थे उनके अकाउंट में हम भी कर चुके थे। तो ये एक इनिशियल बूस्ट और इसकी देखा देखी कनाडा ने भी की, अमेरिका ने भी की और अन्य देश भी कर रहे हैं जहां तक रही कैश ट्रांसफर की बात। अब आ जाइए, अब आप पंजाब की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें कि न्याय योजना इन्होंने शुरू की, तो भाई कांग्रेस शासित अन्य राज्यों में न्याय नहीं होता है क्या? सिर्फ छत्तीसगढ़ क्यों न्याय योजना शुरू कर रही है? कैप्टन अमरिंदर सिंह क्यों नहीं न्याय योजना शुरू करते हैं? क्या दिक्कत है? दूसरी बात किसानों को एम्पावर करने की बात है, तो 74,000 करोड़ का जो डेटा मिल रहा है सारे राज्यों से कि फसलों की खरीद हो चुकी है, किसानों को पैसे मिल चुके हैं, ये इन्फोर्स्ड ऑर्डर अप्रैल में किया गया था कि 15 दिन के अंदर भुगतान करिए, तो किसानों के भुगतान भी हो चुके हैं। हरियाणा पंजाब जहां तक हरियाणा के योगेंद्र जी हैं उनको ज्यादा पता होगा कि परचेजिंग सेंटर्स की सेंटर्स भी बढ़ाए गए थे, 3 की जगह 8-8 सेंटर 11-11 सेंटर्स किए गए थे ताकि किसान की फसल जल्दी खरीद सके। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने खुद कहा कि किसानों की जेब में हमने 14,000 करोड़ रुपए की फसल खरीद कर ली है, उनके अकाउंट में पैसे पहुंच चुके हैं। मैं योगेंद्र यादव जी के पास बताइए, अभय जी आपके पास आ जाऊंगी एक मिनट, पहले योगेंद्र जी के पास आऊंगी। तो योगेंद्र यादव जी, कुल मिलाकर सरकार की तरफ से देखिए कहा जा रहा है ना कि जरूरत का हिसाब का कैश तो हमने पहुंचाया, लेकिन भाई पैसे अगर दे देंगे तो फिर आत्मनिर्भर कैसे बनाएंगे उसको, इसीलिए पैसे और साथ ही साथ पैकेज जिसमें लॉन्ग टर्म योजनाएं भी शामिल हैं, एक पूरा खाका सरकार ने बनाया जो काम होता है सरकार का कि एक विजन के साथ आगे बढ़ना। प्रश्न ये होता है कि उसमें पैसे कितने हैं और आगे की योजनाएं कितनी। ठीक है, जो कृषि के लिए 11 योजनाएं बनाई गई हैं, जो 11 घोषणाएं की, कृपया मुझे उनमें से एक योजना बताइए जो कि बजट में घोषित नहीं थी, जिसको नया घोषणा की गई और जिसका इस संकट से मतलब हो, है ना? योजना का तो यही मतलब होना चाहिए ना कि देश में देखिए इतना बड़ा संकट आ गया, किसानों को प्रॉब्लम हो गई, हमने किसानों के लिए फला नई घोषणाएं की। कृपया मुझे एक ऐसी घोषणा बता दीजिए जिसका इस संकट के कारण किसानों ने कहा भाई हमें इसकी जरूरत है, ये हमें दे। सर आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है, आपने बहुत स्पेसिफिक सवाल पूछा है, एक सेकंड पहले मैं जान लेती हूँ सैयद शाहनवाज हुसैन साहब इस स्पेसिफिक सवाल का जवाब देंगे। ये स्पेसिफिक सवाल जो पूछा योगेंद्र यादव ने, एक योजना का नाम है योगेंद्र जी के हर डिबेट में होता है, मैं 3 बातें कहूंगा, एक योजना पूछूंगा, ये योगेंद्र जी का स्टाइल है। इतने बड़ी चीजों में जैसा कि अजय आलोक जी ने कहा, नहीं सर अजय आलोक जी पर अभी मत जाइए प्लीज, सैयद शाहनवाज हुसैन साहब डिबेट को डीरेल मत कीजिए। मैं बता रहा हूं ना सर, प्लीज मैं संविधान की शपथ में डिबेट डीरेल नहीं करती हूं सर, मैं आपसे सिर्फ योजना जानना चाहती हूं जो बजट में ना हो, जो कोरोना संकट के लिए आप लोगों ने किसानों के लिए ऐलान किया, आप नाम बताइए सीधे उस योजना का। देखिए जो एनएसएपी के तहत जो पहली किस्त थी वो हमने देने का काम किया, पीएम का जो कल्याण योजना है कि मैं बता रहा हूँ ना, सुन लीजिए, जो जितनी इस कोविड 19 में
सबसे अच्छी बात ये हुई कि फसलों की कटाई पूरी हुई, फसलों का खरीदी पूरी हुई। उसके अलावा जो हम किसानों की मदद कर रहे डायरेक्ट किस्त में देने का काम किया, कौन सी ऐसी योजना, और बाद में जो हमने जितनी भी घोषणा की है उससे किसानों को लाभ होने वाला है। सर मैं अतिरिक्त योजना पर सवाल पूछ रही हूँ, जो योगेंद्र यादव ने पूछा फसलों की कटाई फसलों की खरीद तो कोरोना नहीं होता तब भी होती सर, एक्स्ट्रा क्या किया आपने कोरोना की इस महामारी में जब अर्थव्यवस्था चौपट है तब किसानों की मदद के लिए? ये सीधा सवाल है, आप योजना का नाम बताओ ना, आप योजना का नाम बता दो अगर पता है आपको तो, नहीं तो मैं आगे बढ़ जाती हूँ। कोई बात नहीं, आगे मत बढ़िए, नाम बता दीजिए फिर आप योजना का। जो प्रधानमंत्री जी ने जो किसानों के लिए जो पैकेज का ऐलान किया है, मैं उसमें बता दूं कि किसानों के जो हम उनको पैसा दे रहे थे वो तो पूरा दिया ही, उसके अलावा हमने पैकेज में किसानों को खरीदारी के लिए अलग से योजना बनाने का काम किया। और मैं आपको बता दूं कि जो कृषि की योजना है, यानी इसमें सर मैं अब आपको बता दूं, शाहनवाज हुसैन साहब कोई बात नहीं सर, कोई बात नहीं सर, मैं अब आपको बता दूं सर कि ये जो आप गिना रहे हैं जो सरकार की तरफ से ऐलान हुआ आर्थिक पैकेज में, वो दरअसल सर रिफॉर्म्स थे, और वो रिफॉर्म्स थे जिनको दशकों से लेकर मांग की जा रही थी। बढ़िया है सर उन रिफॉर्म्स का आप यहाँ पर जिक्र कर रहे हैं, लेकिन बड़ा स्पेसिफिक क्वेश्चन जो योगेंद्र यादव ने पूछा था आप उसका जवाब दे नहीं पा रहे। अब एक मिनट आ रही हूँ अभय जी, आऊंगी आपके पास। योगेंद्र जी मेरा दर्शक देख रहा है, आपने एक सवाल रखा सर और उसका जवाब शाहनवाज हुसैन साहब किस तरीके से दे रहे हैं। अब आगे आइए, आप दोबारा से अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर मैं अभय जी के पास जाती हूँ। मुझे अच्छा लगा रोमाना जी, आपने एक सवाल पे थोड़ा सा प्रेशराइज किया और हकीकत आपके दर्शकों के पास आ गई। इन 11 में से एक भी योजना ऐसी नहीं है जिसका कोविड और लॉकडाउन से कोई संबंध हो, जिसको उन्होंने फरवरी में घोषणा ना की हो। और जो मैंने सिंपल बात कही, किसान ने तीन चीज मांगी थी, उन तीन में से एक भी चीज आपने दी नहीं। और जो बार बार आप कह रहे हो कि हमने किसान को ये उसकी सम्मान निधि की पैसा दे दिया, अरे भाई वो तो उसको अप्रैल में मिलना ही था, जो रोमाना जी को अप्रैल में तनख्वाह मिलनी थी आपने अप्रैल में देके कौन सा एहसान कर दिया, कौन सी नई बात कर दी। और जो मेरे साथी कह रहे हैं कि हमने किसान की फसल की खरीदी है, आप कृपया मुझे पिछले साल का आंकड़ा दीजिए, इस साल का दीजिए और बताइए इस साल आपने कितने क्विंटल एक्स्ट्रा खरीदा है, बताइए। ठीक है सर, मुझे लगता है अब हम अगर आखिरी में पढ़ेंगे तो फिर ये बहस जो है वो आगे बढ़ नहीं पाएगी। जवाब ढूंढने में बहुत व्यस्त यहाँ पर शाहनवाज हुसैन साहब लगे हुए नजर आ रहे हैं, मैं देख पा रही हूँ शाहनवाज जी को। मुझे लगता है जल्दी से अभय जी के पास चलते हैं। अभय दुबे जी, लेकिन जो बात योगेंद्र यादव ने कही थी ना, उन्होंने एक और बहुत महत्वपूर्ण बात कही थी कि ये पूरा मामला जो है वो स्टेट वर्सेस सेंटर नहीं है, ये पूरा मामला जो है वो बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, इस पूरे मामले के केंद्र के अंदर सर किसान को होना चाहिए, गरीब को होना चाहिए, मजदूर को होना चाहिए और इसके उसके हित को होना चाहिए। लेकिन मैं आपसे जानना चाहती हूँ सर कि दरअसल ये जो न्याय योजना है जिसे राहुल गांधी कहते हैं कि साहब आत्मनिर्भर बनाने के लिए हम ये योजना लेकर आए हैं देश के गरीब किसान मजदूर को, भाई ये न्याय योजना आप मोदी को रास्ता दिखाने के लिए लेकर आए हैं या फिर राजनीति में राहुल का रास्ता बनाने के लिए लेकर आए? सवाल तो ये है ना। ना, राहुल जी का रास्ता बनाने की कोशिश है ना, प्रधानमंत्री जी को नीचा दिखाने की कोशिश है, ये किसान को ऊपर उठाने की कोशिश है। 10 करोड़ टन गेहूं का उत्पादन इस बार हुआ है रोमाना जी, 25% सिर्फ प्रिक्योरमेंट होता है, ये सारे देश के लोग कान खोलकर आज सुनने और समझने। धान और गेहूं ही मोटे तौर पर हम प्रिक्योर करते हैं क्योंकि हमको पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन में उसको देना होता है और कंटेंजेंसी के लिए रखना होता है। 75% हिंदुस्तान का किसान बाजार के भरोसे है प्रधानमंत्री। जो 25 मार्च से खरीदी होनी थी वो आपने 15 अप्रैल के बाद से प्रारंभ की, और आज भी शाहनवाज जी सही नहीं बोल रहे हैं, हिंदुस्तान में 65% भी खरीद नहीं हो पाई पिछले साल की तुलना में। एक बात समझ लीजिए, आप टूर मत जाइए, हॉर्टिकल्चर मिनिस्ट्री की आलू प्याज टमाटर की मंथली रिपोर्ट उठाकर देख लीजिए,
6,000 करोड़ रुपए के लगभग का नुकसान सिर्फ सब्जियों में इन तीनों चीजों में हुआ है। मैं केले फ्रूट की तो बात ही नहीं कर रहा हूं जो खेतों में फेंक दिया है, केला है, पपीता है, अंगूर है, जो पेरिशेबल आइटम है सब सड़ गए, सब्जियां रोन दी किसानों ने। सर, अबे जी, अबे जी, अबे जी, अबे जी, आप जो दिक्कतें गिना रहे हैं वही दिक्कतें दूर करने के लिए तो कृषि के लिए वो आधारभूत ढांचा जिसका जिक्र इस फाइनेंशियल पैकेज में किया गया है सरकार की तरफ से, आपने जिस तरीके से टमाटर और आलू की बात कही उसी के लिए तो 500 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा सरकार की तरफ से इस राहत पैकेज में रखे गए और उसमें दूसरे सब्जी और फल को भी शामिल किया गया है। सर, ये बात आप क्यों भूल जाते हैं? मेरा सवाल ये है कि इन हालात में अभी जो कोरोना काल संकट काल है उसमें आर्थिक पैकेज ही सही रास्ता है या फिर सीधे कैश देना एक बेहतर विकल्प हो सकता था, इसी पर मैं चर्चा कर रही हूं। लेकिन मामला देखिए किस तरीके से बीजेपी बनाम कांग्रेस बना हुआ नजर आ रहा है। सीधे रुख करते हैं सैयद शाहनवाज हुसैन साहब, ये तो सीधे छत्तीसगढ़ न्याय मॉडल वर्सेस मोदी मॉडल का मामला है, टक्कर हो गई है सीधी सर ये तो? कोई छत्तीसगढ़, ये कांग्रेस का धोखा मॉडल है, बल्कि धोखे मॉडल से असली जो मोदी जी का मॉडल है उसमें भी जो इन्होंने न्याय की बात की, अपने वचन से फिर रही है कांग्रेस। अपने राज्यों में किसान का कर्जा नहीं माफ कर सकी, अभी इसमें भी न्याय योजना नहीं है, जो मोदी सरकार दे रही है उसमें ऐड करने की बात है। और सही सवाल ये है कि कांग्रेस की सरकार सिर्फ छत्तीसगढ़ में नहीं है, महाराष्ट्र में भी है, पंजाब में भी है, राजस्थान में भी है, ये सिर्फ दिखावे की काम करते हैं। और मैं आपको बता दूं, जब आंकड़ों की बात आप कह रही थी, आपने क्योंकि यहाँ पर सीधे धोखा मॉडल करा दिया है छत्तीसगढ़ मॉडल को और आपने वचन से फिरने की बात की है, तो मुझे लगता है अभय जी को यहाँ पर आना चाहिए। अभय जी, ये वचन वाली बात में तो बहुत दम है ना सैयद शाहनवाज हुसैन, क्योंकि राहुल गांधी ने तो लोकसभा चुनाव के दौरान गरीब परिवारों को मदद पहुंचाने की बात कही थी और यहाँ छत्तीसगढ़ में किसान भी सिर्फ वो जो धान मक्का गन्ना उगा रहा है उसको आप आर्थिक सहायता दे रहे हैं। सर, ये ढोंग क्या है? फूल है, 19 लाख किसान है छत्तीसगढ़ में, जिसमें मार्जिनल भी हैं। सर, छत्तीसगढ़ में किसान 40 लाख से ज्यादा है। सर, मैं आपको करेक्ट कर दूं, सुनिए ना, इस योजना के तहत फायदा 19 लाख किसानों को मिलेगा। सुनिए ना, स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स को लिया एक कमेटी हमने फॉर्म किए, जो भूमिहीन कृषकों की भी के लिए भी हम उसमें सुविधा देंगे। इन्होंने जब मध्य प्रदेश में, आप सुनिए शाहनवाज जी, आपके लिए आपने सवाल उठाया मध्य प्रदेश में कि हमने किसानों का कर्जा माफ नहीं किया, शिवराज सिंह चौहान के सबके भाई का, कृषि मंत्री कमल पटेल मध्य प्रदेश किसानों का कर्जा माफ किया, भूल जाइए मध्य प्रदेश हाथों से निकल चुका है, ये कोरोना काल संकट काल है। सर, मैं गरीब किसान मजदूर की बात कर रही हूँ, उसकी मुश्किल कैसे कम होगी मैं इसकी बात कर रही हूँ। सर प्लीज, अच्छा नहीं लगता है, आप दोनों की आवाज कम करनी पड़ेगी, अच्छा नहीं लगता है। सर, मुझे अच्छा नहीं लगेगा आपकी आवाज कम करवा कर, आप लोग देखिए ना किस तरीके से आप भिड़ रहे हैं एक दूसरे के साथ गरीब किसान मजदूर के मुद्दे पर। एक मिनट, मैं अजय आलोक के पास जा रही हूँ, ऐसे बहस नहीं हो सकती। डॉक्टर अजय आलोक, नकद या कर्ज बेहतर क्या नजर आता है पहली सूरत में? सर मैं आपको बताऊं, डॉक्टर अजय आलोक, अभय जी प्लीज, सर अभय जी प्लीज, डॉक्टर अजय आलोक, दोनों चीज बेहतर लगती है। जब नगद की जरूरत हो तो नगद, जब कर्ज की जरूरत हो तो कर्ज भी देना चाहिए, कर्ज की सीमा भी बढ़ानी चाहिए। 75 लाख क्रेडिट कार्ड करके शायद इसी दिशा में कदम। इस समय आपको क्या लगता है? वैसे भी मुझे एक मिनट रुमाना जी, 10 सेकंड और लूंगा। सर, इस समय मुझे दोनों की जरूरत है, दोनों की जरूरत है, दोनों सरकार कर रही है, दोनों की जरूरत है, मैं तो कह रहा हूं ना, दोनों की जरूरत है, दोनों सरकार कर रही है। सबसे बड़ी बात है, आप वेलफेयर स्टेट हैं, अगर कोई राज्य केंद्र के अलावा भी कुछ करना चाहता है तो उसमें हर्ज क्या है भाई, छत्तीसगढ़ सरकार करे। मेरा तो सवाल ये है कि न्याय योजना सिर्फ छत्तीसगढ़ में क्यों चल रही है, कांग्रेस पार्टी बाकी राज्यों में क्या क्यों नहीं चलाती है, बाकी राज्यों के साथ अन्याय क्यों कर रही है? ये राज्य न्याय योजना का मॉडल पंजाब में भी चलाइए, पुडुचेरी में भी चलाइए, जहां जहां सरकार है वहां चलाइए, अच्छी बात रहेगी। और मैंने ये सवाल इसलिए सोचकर रखा योगेंद्र यादव जी, कैश या पैकेज, क्योंकि आज जब ये लॉन्च हो रही थी ना योजना, उस दौरान राहुल गांधी की तरफ से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा गया कि साहब एक तरीके से सीख लेनी चाहिए केंद्र को भी हमारी इस न्याय योजना से। योगेंद्र जी, पहली बात तो अजय जी ने बिल्कुल ठीक कहा, जहां कैश की जरूरत हो कैश दिया जाए, जहां लोन की जरूरत हो लोन दिया जाए, मगर वो दूसरी बात कहने में चूक कर गए। आज सबसे ज्यादा कैश की आवश्यकता है, आज हकीकत ये है
कि बैंकों के पास लोन देने के लिए इतना पैसा पड़ा है, बैंक रिजर्व बैंक को वापस कर रहे हैं क्योंकि लोन कोई लेने वाला नहीं है। आप बताइए कौन बैंक मैनेजर इस वक्त लोन देगा और कौन उनके पास लोन लेने आएगा क्योंकि डिमांड नहीं है। दूसरी बात ये कि ये कहना कि इसमें राजनीति हो रही है, रोमाना जी राजनीति होनी चाहिए। अगर नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि दे के लोकसभा चुनाव जीता तो भाई जीता, बहुत अच्छी बात थी। अगर तेलंगाना सरकार ने दिया था, उड़ीसा सरकार ने कलिता स्कीम के तहत दिया था, उसके बाद वोट किए, बहुत अच्छी बात। तो अगर जीतना चाहते हैं इसमें क्या बुरी बात है, बहुत अच्छी बात है। समय आज मेरे पास इतना ही है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मेरे साथ इस चर्चा में जुड़े रहने के लिए। और बड़ी सही बात यहाँ पर योगेंद्र यादव कह रहे थे कि साहब गरीब के हित में अगर कुछ फैसला होता है, अगर ऐसी राजनीति होती है तो उसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। तो गरीब की मदद कैश से या पैकेज से, इसी मुद्दे पर आज हमने चर्चा की। और आज की इस चर्चा के बाद मेरी राय बहुत साफ, जरूरतमंद के साथ न्याय हो, गरीबों को कैश दीजिए या पैकेज दीजिए, दरअसल फौरन सहायता जरूरी है।